नमस्कार, मैं आरपी कुमार। आप सभी को मैं बता दूं कि जिस तरीके से जो है 13 तारीख से किसान आंदोलन हो रहा है, अभी हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता बिहार के बबलू प्रकाश जी। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये बताइए कि जिस तरीके से 13 तारीख से जो है लगातार शंभू बॉर्डर पर जो है किसान डटे हुए हैं, और वो उनका कहना है कि हम जो है अगर जो सरकार जो हमारी बात नहीं मानती है तो हम जो है 21 तारीख को जो है दिल्ली कूच करेंगे, आप क्या कहेंगे इस विषय पर? नहीं, किसानों का जो मांग है, पुरानी मांग है, मोदी सरकार को मान लेनी चाहिए। पिछले बार भी इनके हट के वजह से 700 से ज़्यादा किसान मर गए थे, फिर दोबारा किसान शंभू बॉर्डर पे जुटे हैं, और हर सरकार जो है हर प्रयास कर रही है कि दिल्ली तक ना पहुंचे। यहाँ तक कि सड़क पर कील ठोक दिया गया, बैरिकेडिंग लगा दिया गया। अरे भाई, प्रधानमंत्री अगर दिल्ली में रहते हैं, किसान अगर बात करना चाहता है तो दिल्ली ही आएगा जी। आप बातचीत से क्यों घबराते हैं? बातचीत कीजिए, बातचीत से हर चीज का हल। भारत के ऐसे भी लोग हैं, कुछ लोग का कहना है कि असली किसान जो है खेत में है, वो सब जो भी किसान है सब नकली है, आप क्या कहें? नहीं नहीं नहीं, देखिए, असली किसान और नकली किसान की बात नहीं है। वो जितने लोग हैं सब किसान हैं, और बड़े किसान हैं, उसमें सीमांत किसान भी हैं और छोटे किसान भी हैं। आप पंजाब का और बिहार का तुलना अगर कीजिएगा तो बिहार के किसान जो है वैकल्पिक व्यवस्था भी करते हैं, क्योंकि यहाँ बड़े जोत वाले किसान बहुत कम हैं। यहाँ मध्यम किसान है, छोटे किसान है, तो वो खेती के साथ साथ वैकल्पिक व्यवस्था भी करते हैं। अगर बिहार में आप देखिएगा तो मार्केट है नहीं, मंडी है नहीं। यहाँ पर जितना भी उनकी फसल है, मुश्किल से सरकार 6% फसल खरीदती है, बाकी 94% की फसल जो है किसान जो है बाहरी के व्यापारियों से बेचते हैं। पंजाब में उल्टा है, वहाँ पर फसल जो है 96% किसान जो है फसल सरकार खरीदती है, 96%। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। तो MSP को फ़ायदा क्या है? MSP क्या है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब एक सपोर्ट प्राइस। उसको आप कम से कम निर्धारित कर दीजिए कि धान का कीमत है 2000 रुपये क्विंटल, बाजार में 2000 रुपये क्विंटल से नीचे किसी प्रकार नहीं बिकेगा, जब बिकेगा ऊपर बिकेगा। सर, कुछ लोगों का कहना है कि इसमें जो है कांग्रेस और जो है आम आदमी पार्टी का हाथ है उस किसानों को उकसाने में। नहीं नहीं, ये किसान है, और देखिए किसान भी अपना भला बुरा समझते हैं। उकसाना क्या होता है? कोई दूध पीता बच्चा है, वो किसान है जो उपजाता है तो पूरा देश खाता है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि जो भी गाड़ियां हैं पुरानी नहीं है, सब न्यू गाड़ियां कहां से आ रही है, मॉडिफाई करा कर गाड़ियां भेज रहा है। ये लोग जो है ना, जो नेताजी लोग जो हैं, बड़े बड़े सफारी और स्कॉर्पियो और बड़े बड़े गाड़ी से चलने वाले, वो किसानों का दर्द क्या जाने। पंजाब में तो ऐसा किसान है जो एक फसल बेचता है तो बड़ा बड़ा 50 लाख का करोड़ का गाड़ी खरीद लेता है, तो उनका वो किसान है। अभी जरूरी नहीं है किसान का मतलब फटा हुआ गंजी कंधे पे क्या वो गमछा, फटे हाल सूखा शरीर। अरे किसान, आपको नहीं लगता है सर कि जिस तरीके से जो है कहा जा रहा है कि बड़े बड़े महंगी महंगी गाड़ियां, तो हालांकि भारत की किसान अगर जो महंगी महंगी गाड़ियां रखती है तो गर्व की बात है। आप देखिए, देश को सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला अगर कोई बिजनेस है तो वो है एग्रीकल्चर जी। जानबूझकर सरकार कॉरपोरेट के बहकावे, कॉरपोरेट का साथ देने के लिए किसानों को खेत से बाहर कर रहा है। हकीकत कहिए तो किसान को अगर कोई वैकल्पिक व्यवस्था मिल जाए ना, तो खेती करना छोड़ दे। अच्छा, किसान आंदोलन से आम आदमी पार्टी को पंजाब या दिल्ली में फायदा पहुंचेगा? इससे फायदा देश को पहुंचेगा, हमारे किसान भाइयों को पहुंचेगा, पार्टी को क्या फायदा पहुंचेगा? लेकिन भाजपा का तो कहना ऐसा ही है, हम तो किसान के साथ हैं। भाजपा किसान विरोधी है, भाजपा मजदूर विरोधी है, भाजपा युवा विरोधी है। कितना को नौकरी दिया आज की तारीख में बता दीजिए साहब। एक IAS अपने बेटा को IAS बनाना चाहता है जी। एक डॉक्टर अपना बेटा को डॉक्टर बनाना चाहता है, एक इंजीनियर अपना बेटा को इंजीनियर बनाना चाहता है, लेकिन एक किसान जो है अपना बेटा को किसान बनाना नहीं चाहता है। इसलिए कि किसान ही ऐसा बिजनेस हो गया है जो लगातार घाटा देता है। एक फसल चक्र में कम से कम 90 दिन 3 महीना लगता है, और जब फसल जब काट के किसान मंडी ले जाता है तो उसको दाम नहीं मिलता है। समझ जाइए कि उसने जो 3 महीना श्रम किया है ना, उसका भी मूल नहीं मिलता है। उसमें पटवन हो गया, बीज हो गया, मेहनत हो गया, मजदूरी हो गया। अब बताइए किसान क्या करे? वो आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? लेकिन तब पर भी तो किसान लोग जो है मोदी जी को वोट देते हैं, तभी तो सत्ता में आए हैं। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, 2014 से वो बोल रहे थे।
अच्छे दिन आने के चक्कर में हमारे जो सही में अच्छे दिन थे वो भी छिन गए। अब किसान भी समझ गए, इसीलिए तो वो अब आ रहे हैं सड़क पर अपने मांगों को मांगने के लिए। लेकिन स्वामी ना, लेकिन सर दो तीन स्टेट में तो ही किसान जा गए हैं अभी, कैसे हो पाएगा? आप को समझिए, आप जो गेहूं खाते हैं जी, क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल के अगर देखिएगा तो 2% पंजाब है जी जी, लेकिन इतना गेहूं उगाता उपजाता है कि पूरा देश खाता है। बिहार में जिसका 5 कट्ठा खेत है जी, वो क्या उपजाएगा भाई? बात को समझिए, वो क्या उपजाएगा? आप ही के गांव में कितने ऐसे बड़े किसान हैं? जो बड़े किसान हैं वो शहर में रह रहे हैं या अपने खेती को बटैया में दे दिए, लेकिन पंजाब में किसान खुद खेती करता है, खेती करवाता है, क्योंकि उनका मुख्य व्यवसाय है खेती। अगर जो मोदी जी को कोई रोक पाएंगे तो किसान रोकेंगे या आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या इंडिया गठबंधन? देखिए, देश की जनता किसी को भी रोक सकता है और देश का जनता ही है किसान, समझ गए ना? तो रोकने का जो सवाल है स्वामीनाथ, मोदी जी भी किसान है, देश की जनता की बात की तो मोदी जी किसान कहाँ है? मोदी जी तो बोलते हैं व्यापारी हैं, लेकिन आप देश की जनता की बात किए कि किसान है। पंजाब के किसान हैं, बिहार के किसान हैं। किसान का मतलब क्या हुआ? जो खेती कर रहा है, वो जो उस खेत में काम भी कर रहा है वो भी मजदूर किसान ही है। मोदी जी भी तो कहते हैं हम गरीब का बेटा है, किसान का बेटा है, चाय बेचते थे। अब वो कहाँ उनका चाय बेचते, तो कोई आदमी कहीं कोई रिकॉर्ड तो है नहीं, वो कह देते हैं। वो तो कहते हैं कि हम पढ़े लिखे भी नहीं, कई इंटरव्यू में उनका मेरी शिक्षा ज़्यादा नहीं हुई है। अच्छा, क्या सच में किसान आंदोलन जो कर रहे हैं पंजाब के, वो सच में क्या खालिस्तानी है जिस तरीके से कहा जाता है? बहुत सारे देखते हैं ट्विटर पर भी, आप सर्च कीजिए अभी भी कीजिएगा तो जो आ जा कहीं ना कहीं जो है ज़रूर आ जाएगा। मोदी के खिलाफ इनका जो ट्विटर गैंग है ना, ये तुरंत किसी को सर्टिफिकेट दे देते हैं, किसी को पाकिस्तानी बता देते हैं, किसी को खालिस्तानी बता देते हैं। इनके पास दूसरा कुछ बताने के लिए तो है नहीं। आप मोदी जी से पूछ लीजिए, जनता के लिए आपने क्या काम किया? सिर्फ 5 किलो राशन दे देने से जनता का पेट भर जाएगा। लेकिन खुश तो है जनता, लेकिन सर जनता तो खुश है 5 किलो राशन? नहीं, जनता खुश है ये आपको लगता है, मुझे मेरे ख्याल से अब जनता खुश नहीं, ना खुश हो गया है और आने वाले समय में उनको बता देगा। अच्छा, कमलनाथ जी जो है बीजेपी में जाने वाले हैं, बहुत सारे बड़े 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 नेता जो भी है कांग्रेस में वो चले गए, राज्यसभा भी बन गए, सांसद बन गए, आप क्या सोचते हैं कमलनाथ जी को लेकर? कमलनाथ जी कांग्रेस में थे और भाजपा में चले गए, आप भी जान रहे हैं कि जरूर ईडी या सीबीआई ने कुछ मामला धरा होगा, क्योंकि आजकल भाजपा में जो है ना, जाने के लिए भाजपा ज्वाइन करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, उसमें बलात्कारी होना जरूरी है, भ्रष्टाचारी होना जरूरी है, या अवैध रूप से आप कमा के पैसा रखे हुए हैं तब आप भाजपा में आराम से जाएं। क्या जयंत चौधरी भी वैसा ही थे, बलात्कारी थे या भ्रष्टाचारी थे? कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। आखिर किसानों को धोखा देने वाला, जिनके पिताजी जयंत चौधरी के पिताजी किसान लोग पूजते थे जी, वो व्यक्ति जब उनका पुत्र अगर जा रहा है तो कुछ ना कुछ बातें होंगी, कोई डील हुआ होगा मोदी जी से। अब आप देख लीजिए ना, कैसा डील हुआ होगा? उनको लग रहा होगा कि किसान के मसीहा के पुत्र है तो किसान इनके पीछे है, लेकिन किसान तो जानता है जो उनको धोखा देगा उनको नकार देगा। और जहाँ तक भाजपा का सवाल है, अब आप देख लीजिए महाराष्ट्र में आदर्श घोटाला का, आदर्शवादी नेता भाजपा में आ गए, चले गए राज्यसभा, कई ऐसे मामले हैं। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस जो हमेशा बीजेपी का साथ देती है? कांग्रेस देखिए अभी क्या समस्या हो गया ना, कि देश मैदान में दो ही खिलाड़ी थे, एक भाजपा एक कांग्रेस, अब तीसरा खिलाड़ी आ गया जिसका नाम अरविंद केजरीवाल, और जहाँ जहाँ लड़ रहा है पटकनियाँ दे रहा है, तो दोनों खिलाड़ी मिल के चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को फील्ड से हटाया जाए, क्योंकि इन लोग जो है देश को बांट लिया है। आधा आपकी आम आदमी पार्टी तो 2 सीट दे दी है दिल्ली में, 7 सीट में इंडिया गठबंधन में है तो देना पड़ेगा। लेकिन संदीप पाठक पहले बोले थे हम एक सीट दे सकते हैं, लेकिन 2 दे दिए। देखिए ये हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेगी और इसमें हम छोटे कार्यकर्ता हैं। अच्छा, आप बिहार से सर, क्या आम आदमी पार्टी 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ेगी 1-2 सीट पे? देखिए हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा है, अपने नेता से कहा है, अब जहाँ तक इंडिया अलायंस के जो गठबंधन में जो लोग हैं वहाँ अपनी बात रखेंगे। कौन सा सीट से चुनाव लड़ना चाहेंगे यहाँ? ये तो तय पार्टी करेगी, लेकिन आप सबकी कार्यकर्ता जहाँ मजबूत होगा वहीं लड़ेंगे ना चुनाव? नहीं, कार्यकर्ता तो कमोबेश हमारे पूरे बिहार में संगठन मजबूत है, सड़क पर भी हम लोग उतरते रहते हैं, 534 प्रखंडों में हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं, 38 जिला में हमारे प्रभारी हैं, 38 प्रभारी हैं, सब है, काम हो रहा है।
पार्टी बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये बबलू प्रकाश जी हैं जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और बड़े बेखूबी से जो है अपनी बातों को प्रतिक्रिया दिया है मेरी बातों को, लेकिन आपको क्या मानना है, अपनी प्रतिक्रिया जो कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।